guys, my name is Lav Kumar Soni and I am a professional fire artist. Today I will give you information about FUD paint. फड चित्रकला जो कि हमारे भारत की एक ट्रेडिशनल आर्ट है। इस पेंटिंग ये जो पेंटिंग थी ये पेंटिंग ज़्यादातर राजस्थान साइड में बनाई जाती है। इस पेंटिंग को एक कपड़े के ऊपर देवी देवताओं की पेंटिंग बनाते थे, तो जो कलाकार होते थे वो इस पेंटिंग को अच्छे से डिटेल में बनाते थे। और इस पेंटिंग में क्या होता था, जो देवी देवताओं के चित्रित किए जाते थे, देवी देवताओं को पेंट किया जाता था। और इस पेंटिंग को ना कथाओं के ऊपर, कहानियों के ऊपर बनाया जाता था। और इस पेंटिंग का क्या मेन रोल था कि इस पेंटिंग को दो बांस के डंडों के बीच में बांधकर और इसकी जो कहानी बताई जाती थी, जो कि एक गायक गायिका दोनों गाकर उस पेंटिंग को बताते थे, यानी कि उस कहानी को समझाते थे गाने के थ्रू। और साथ ही साथ उस चित्र में यानी कि पूरा एक तरह से मूवी टाइप एक माहौल हो जाता था, जो कि लोग उसको देखते थे और समझते थे। जैसे कि हमारी कृष्ण लीला हुई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी, रामलीला, कृष्ण लीला, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो सब वो लोग बताते थे इन चित्रों के थ्रू। तो गाइस, इस पेंटिंग को जो है कपड़े पर किया जाता था, और पहले के टाइम पे जो था कोई सिंथेटिक कलर तो होते नहीं थे, तो नेचर के जो कलर होते थे, नेचुरल कलर, उनको यूज़ किया जाता था। फूलों पत्तियों से और सब्जियों से निकाले गए कलरों को इसमें यूज़ किया जाता है। और इस पेंटिंग को अच्छी से नॉलेज लेने के लिए मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूंगा पीडीएफ का। आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से उसको रीड करिए। उसके अंदर पूरा सब कुछ इसका बताया हुआ है कि कहाँ पर इसकी खोज हुई, किस तरीके से, बिल्कुल डिटेलिंग में दिया गया है। क्योंकि अगर मैं पूरा डिटेलिंग में बताऊँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो गाइज, ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा। इफ़ यू लाइक माई चैनल और आपको अगर ये मेरी जो भी मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ अगर आपको ये पसंद आती हो, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू गाइज।